दोस्तों अगर प्रोटीन की बात की जाए तो अपने इंडिया के अंदर 2500 कंपनियां जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। दोस्तों सबके प्रोटीन अलग अलग हैं, क्वालिटी अलग अलग है, फ्लेवर अलग अलग हैं और रिजल्ट अलग अलग है। दोस्तों अगर किसी सप्लीमेंट की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसकी प्रोटीन क्वालिटी अच्छी रहेगी। एडवर्टाइजमेंट पैसे लेके भी हो सकती है, स्पॉन्सर भी कोई कर सकता है और कोई इसका ब्रांड एम्बेसडर भी हो सकता है। कुछ कंपनियां जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, ना तो उनका ब्रांड एम्बेसडर होता है, इतना पैसा नहीं होता कि अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट्स करें, लेकिन क्वालिटी की बात की जाए तो उनके रिजल्ट और क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। क्वालिटी भी अच्छी होती है, रिजल्ट भी अच्छा होता है और उसमें फेक सप्लीमेंट भी नहीं आते। जैसे ये दो सप्लीमेंट हैं, दोनों आपके इंडियन ब्रांड है। मसल विलेज को आप अच्छे तरह से जानते हो, जैसे काफ़ी इसका नाम है, 10 साल इसको कंपनी को हो चुके हैं और क्वालिटी इसकी अच्छी है। दोस्तों काफ़ी कंपनी ऐसी है जिनका नाम नहीं है लेकिन क्वालिटी के मामले में बहुत ही अच्छी है। दोस्तों जैसे गोल्ड वे प्रोटीन है, इसमें आपको मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन और इसके अंदर मिलता है आपको 25 ग्राम प्रोटीन। दोनों की 2-2 किलो की पैकिंग है। इसमें आपको 55 सर्विंग मिलती है, इसमें आपको 60 सर्विंग मिलती है। बात की जाए तो मोस्टली कंपनी जो उनका वे प्रोटीन होता है, रॉ प्रोटीन होता है, वो बाहर से इम्पोर्ट करती हैं और अपनी पैकिंग के अंदर इसको डालती हैं।